हेलो दोस्तों, केम छो। नमस्कार, मैं भार्गव सियाणी आप सबका स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। अभी जमाने के अंदर इतनी सारी ऑनलाइन शॉपिंग करने की वेबसाइट आ गई है कि हमें कुछ भी शॉपिंग करना हो तो ऑनलाइन शॉपिंग में ही जाते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट में ही जाते हैं और बहुत सारा भारी डिस्काउंट लेके उस चीज को हम खरीद लेते हैं। लेकिन उस चीज को खरीदने के बाद और कई सारे ऐसे ऑनलाइन चीज मंगवाने के बाद जो बीच में जो ट्रांसपोर्टर कंपनी होती है, कुरियर कंपनी होती है, जो कोई भी मीडिएटर होता है, जो आपको डिलीवरी देने बॉय आता है, जो डिलीवरी मैन आता है, उन सबके नाम पे कोई और लोग आपसे फ्रॉड करते हैं और आपसे स्कैम करके पैसे ऐंठ लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले वो ऐसे फ्रॉड कैसे करते हैं और इससे कैसे बचे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुरियर के नाम से जो फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में। कुरियर के नाम से जो फ्रॉड हो रहा है उसके अंदर ऐसा होता है कि हम कुछ भी चीज कुरियर के अंदर बुक करवाते हैं सामने वाले को भेजने के लिए, तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है कि एक दिन, दो दिन या पांच दिन, कुछ जितने भी दिन नक्की किए गए उस दिन के अंदर आपको वहां पे डिलीवरी मिल जाएगी। लेकिन हम उसको जल्दी पाने की लालच में गूगल में जाके कुरियर का नाम डाल के कॉन्टेक्ट नंबर निकालते हैं, उस नंबर पर फोन करते हैं और पूछते हैं उसको कि मेरा इस नंबर का कुरियर, मुझे आज क्या डिलीवरी चाहिए और कुछ भी करके करवाओ। तो सामने वाला बंदा बोलता है कोई बात नहीं, आपको डिलीवरी आज क्या चाहिए तो आपको मिल जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपको मैं QR कोड भेजता हूं तो उसको आप ₹5 का पेमेंट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपको कुरियर आज क्या चाहिए इसीलिए। और उस QR कोड को आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जो कोई भी एप्लीकेशन होती है उससे आप पेमेंट कर सकते हो। और हम ₹5 को एक मामूली रकम समझकर उसमें पेमेंट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे खाते में से 1300, 1500, 2000, 5000, 10000 तक रुपए चले जाते हैं और हम उसके फ्रॉड के शिकार बन जाते हैं, उसके स्कैम के अंदर फंस जाते हैं। अब इसके अंदर से बचे कैसे? इससे बचने का एक ही रास्ता है कि आप जब भी कोई कुरियर करवाते हो तो उस कुरियर की डिटेल पूरी सामने वाले के साथ शेयर कर दो कि मैंने इस आपके नाम का कुरियर भेजा है, इस नंबर से भेजा है और इतने दिन के अंदर आपको मिलेगा। और अगर आपके पास कुरियर आने वाला है और आपको कुरियर कंपनी का कॉन्टेक्ट करना है तो आप उस कुरियर की प्रॉपर वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जाने के बाद उसका कॉन्टेक्ट, जो वहां पे जो कॉन्टेक्ट नंबर मिलता है उस नंबर पे आप फोन करेंगे और अपने कुरियर के बारे में डिटेल दोगे तो आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वरना आप ऐसे ही कोई नंबर ढूंढते फिरोगे, गूगल के अंदर जाकर नंबर डालोगे तो कई लोगों के फ्रॉड के नंबर आते हैं और वो दोबारा कभी भी नहीं लगते। तो प्रॉपर वेबसाइट पे जाइए और वहीं पे जाके जो नंबर मिलता है उस पे फोन कीजिए तो आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब दूसरा स्कैम आता है कि OTP बेस्ड डिलीवरी। जो OTP बेस्ड डिलीवरी होती है, कई कार्गो कंपनी के अंदर भी ऐसा हो गया है कि आप कोई भी पार्सल कार्गो कंपनी में बुक करवाते हो उसका भी सेम प्रोसेस रहता है कि कितने दिनों के अंदर पहुंचेगा वो आपको बता देता है। और बुकिंग करवाते वक्त जो आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है रिसीव करने वाले का, उस मोबाइल नंबर पे जब डिलीवरी देने जाता है तब एक OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड जिसको बोलते हैं। उस OTP को जब आप डिलीवरी बॉय को देते हो तब वो अपने मोबाइल के अंदर एंटर करेगा, तब जाके पार्सल आपको मिलेगा और आपको मोबाइल के ऊपर भी एक मैसेज आएगा कि आपका पार्सल डिलीवर हो चुका है। लेकिन इसके अंदर फ्रॉड इस तरीके से होता है कि जो डिलीवरी बॉय होता है वो आपको, सपोज कि आपका कहीं पर भी मेन हब होता है, आपका सिटी अगर अहमदाबाद पकड़ लो, अहमदाबाद के अंदर आप हो तो अहमदाबाद हब के अंदर जब पार्सल दिखता है तब वो आपको फोन करता है कि आपका पार्सल अहमदाबाद आ गया है, आपका एड्रेस मुझे बताइए, मुझे मालूम नहीं है कहां पर आता है, मैं नया बंदा हूं। आप उसको एड्रेस बताते हो, सारा का सारा एड्रेस दिखा देते हो, लेकिन वो आखिर में कहता है कि अभी आपके पास एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर आप मुझे बता दीजिए तो मैं यहां से डिलीवरी के लिए निकल देता हूं और आपको आज के दिन के अंदर पार्सल मिल जाएगा। और हम उस मैसेज जो आता है उसका नंबर लिखवाते हैं, जो OTP होता है वो हम लिखवा देते हैं और तुरंत ही उसके दूसरे मिनट के अंदर आपके पास दूसरा मैसेज आता है कि आपका पार्सल डिलीवर हो चुका है। ताकि आपको पार्सल मिला ही नहीं होता है लेकिन फिर भी मैसेज आ जाता है क्योंकि आपने उसको OTP दे दिया है। ऐसे केस के अंदर क्या करना है कि अगर कोई भी कुरियर का या कार्गो कंपनी वाले का, कोई भी कंपनी वाले का अगर फोन आता है, आपका एड्रेस क्या है बता दीजिए, आप बता देना उसको एड्रेस बता देना, जब वो बोले कि आप OTP दीजिए तो बोले कि आप मेरे घर पे आ जाइए, OTP लिखवा दूंगा। बोले कि मुझे OTP दोगे तो ही मैं यहां से डिलीवरी के लिए निकलूंगा, तो बोले कोई बात नहीं मत निकल। आप अगर ऐसा कोई भी बंदा बोलता है तो आप उसकी प्रॉपर वेबसाइट पे जाके वहां पर आप कंप्लेन करो कि ऐसा ऐसा मेरे को फोन आया है, क्या है इसकी दिक्कत, इस नंबर का क्या है, मेरा पार्सल अभी तक मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, आप उस प्रॉपर वेबसाइट पे जाके कंफर्म करो। और जब कभी भी डिलीवरी करने आता है तभी उसको OTP दीजिए, क्योंकि OTP अभी हमें मामूली लगता है लेकिन OTP एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बैंक के अंदर ATM में जो OTP आता है उसके अंदर से हमारे पैसे चले जाते हैं। अब इसके अंदर भी ऐसा ही, हमारा पार्सल चला जाता है, हमारा जो कुछ भी चीज मंगाई वो चली जाती है OTP, गलत आदमी को OTP दे देने से वो बंदा अपने घर पे बैठे बैठे आपका OTP मांग के पार्सल रिसीव कर लेता है। और वो डिलीवरी बॉय होता है उसको तो मालूम ही नहीं होता कि मैंने इससे OTP ले लिया है। फ्रॉड से बचने के लिए कभी भी मोबाइल पे किसी को OTP ना दे, अपने डोर स्टेप पे जब भी वो पार्सल लेके आए तभी उसको OTP दे और अपना पार्सल रिसीव करे। हम बात करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स के बारे में।
ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर ऐसा होता है कि हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी एड आती है कि आपको ये आईफोन है जो मार्केट में 50,000 का मिल रहा है, वहां पर आपको ये 15,000 में मिल रहा है, और हम उस चीज के ऊपर क्लिक करके वो आईफोन कई लोग बुकिंग भी करवा देते हैं और मंगवा भी लेते हैं, 15,000 का आईफोन मंगवा लो, आईफोन मंगवा लेते हैं, रेगुलर आपके घर पे डिलीवरी भी मिलता है, लेकिन जब हम खोलते तो उसके अंदर से साबुन की टिकिया निकलती है या तो फिर कोई वो छोटा मोटा छोटे खिलौना जैसा मोबाइल निकलता है और आपके 15,000 डूब जाते हैं, या तो डमी मोबाइल निकलता है तो पूरा मोरा आपके जितने भी पैसे दिए आपके वो सब डूब जाते हैं। और एक बात याद रखिए, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट है उसके अंदर से जब भी आप बुकिंग करते हो तो पहले उसके अंदर आप चेक कीजिए कि इसके अंदर कोई कस्टमर केयर का नंबर है, इसका कोई हेड ऑफिस का एड्रेस है, हेड ऑफिस का नंबर है, कुछ भी चीज ऐसी है कि इसके अंदर हम ट्रस्ट कर सकते हो। और आपने जब भी कभी किसी वेबसाइट का नाम सुना ही नहीं है तो ऐसी वेबसाइट पे तो कभी बुकिंग कीजिए मत, ट्रस्टेड वेबसाइट से बुकिंग कीजिए, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मंत्रा है और बहुत सारी वेबसाइट से, उसी ट्रस्टेड वेबसाइट से ही बुक कीजिए। उसके अंदर भी अब तो बहुत सारी फैसिलिटी आती है, ओपन बॉक्स डिलीवरी आती है। ओपन बॉक्स डिलीवरी में ऐसा होता है कि आपने जो कुछ भी चीज मंगवाई हुई है उस चीज को आपके घर पे आते ही पहले वो डिलीवरी बॉय वो ओपन करके दिखाएगा कि आपने जो मंगवाई वही चीज आई है। उसके बाद आप अपना मोबाइल के अंदर जो ओटीपी आया वो ओटीपी दीजिए और अपनी मोबाइल वो जो चीज मंगवाई है उसको रिसीव कीजिए, क्योंकि अभी आरबीआई ने बताया कि आप किसी को ओटीपी ना दे, अपनी डिटेल शेयर ना करें, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो हम लोगों ने वो बैंक के लिए फिक्स कर दी कि बैंक के बारे में अगर कोई पूछता है तो उसके आंसर मत दो, उसका जवाब मत दो, उसका ओटीपी मत दो। लेकिन ये चीजें अब सभी जगह पर लागू हो गई है, आप किसी भी जगह पर आपसे कोई आपकी पर्सनल डिटेल मांगता है तो उसको ना दीजिए, ओटीपी मांग रहे तो ना दीजिए उसको। अगर वो सब चीज देते हैं तो कहीं ना कहीं आप फ्रॉड के अंदर फंस जाते हैं, स्कैम के शिकार हो जाते हैं। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फैमिली मेंबर, दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, सबके साथ इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।